Assalamualaikum. वेलकम माय यूट्यूब चैनल शिबली मैडम. और मैं आप लोगों को जो अपने चैनल पर अरबी पढ़ाती हूँ, सबक जो मैं आपको देती हूँ, सिखाती हूँ, तो आइए मैं आप लोगों को आपका जो आज का सबक है वो बता दूँ, वो दे दूँ. शुरू करते हैं अपनी वीडियो. और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ आप लोग ज़रा ध्यान में रखिएगा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी हम सिफारे को पढ़ेंगे, सिफारे को या फिर कुरान को पढ़ने से पहले हम लोगों को सबसे पहले औज़ु पढ़नी है, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़नी है, उसके बाद अपना सबक पढ़ना है आगे. तो मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ. और आप लोगों को जो मैंने सबक दिया था वो यहाँ से ले कर और यहाँ तक था आपका सबक. और आइए मैं आप लोग को रिवाइज कराऊँ एक बार फिर से. और आप लोग मेरे साथ साथ बोलिए जैसे मैं पढ़ रही हूँ, आप भी वैसा ही पढ़िएगा. अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल रा जा सीन शीन स्वार ज्वार त्वा ज्वा आयन गायन फा काफ काफ लाम मीम नून वाओ हा दो चश्मी हा लाम अलिफ हमजा छोटिया बढ़िया. एक बार मैं फिर से आप लोगों को याद करा देती हूँ, एक बार आप फिर से मेरे साथ साथ में पढ़िए. ठीक है, शुरू करते हैं. अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल रा जा सीन शीन स्वाद ज़ाद त्वा ज़ा आयन गायन फा काफ काफ लाम मीम नून वाओ हा दो चश्मी हा लाम अलिफ हमजा छोटिया बढ़िया. अब मैं आप लोगों को इन जो शब्दों की पहचान है, जो ये जो नुक्ते हैं, ये नुक्ते दिए हुए हैं, तो मैं आप लोगों को इन नुक्तों की पहचान बता देती हूँ. आइए फिर इन नुक्तों की हम पहचान सीखते हैं. आप मेरे साथ साथ में पढ़िएगा, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे ही आप लोग पढ़ें. अलिफ बा के नीचे एक नुक्ता है. ता के ऊपर ये दो नुक्ते हैं. सा के ऊपर तीन नुक्ते हैं. जीम जीम के पेट में एक नुक्ता. हा खाली खा के ऊपर एक नुक्ता. दाल जाल जाल के ऊपर एक नुक्ता. रा जा के ऊपर एक नुक्ता. सीन शीन के ऊपर तीन नुक्ते. स्वाद ज्वाद ज्वाद के ऊपर एक नुक्ता. त्वा ज्वा ज्वा के ऊपर एक नुक्ता. आयन गायन गायन के ऊपर एक नुक्ता. फा के ऊपर एक नुक्ता. ये जो बा और फा है इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर दिया गया. आप लोग देख सकते हैं कि बा को इस तरीके से लिखा जाएगा या पढ़ा जाएगा, और ये फा का जो है सिर्फ ये थोड़ी सी यहाँ से बस ये ऊपर का थोड़ी सी ये घूमी हुई है बस. तो ये बा है, ये ता सा और ये फा. और ये काफ फा और काफ ये दोनों भी ज्यादातर एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है. फा जो बनेगा वा को इस तरीके से बनेगा और काफ एकदम से घूमेगा. तो फा के ऊपर एक नुक्ता और काफ के ऊपर दो नुक्ते. इसको हम काफ पढ़ेंगे, बड़ा काफ, यानी कि ये जो पढ़ा जाएगा शब्द वो है हलक से निकलेगा हमारे, बड़ा काफ.
गफ काफ, इसको छोटा काफ भी बोलते हैं, बड़ा काफ काफ, लाम मीम नून, नून के ऊपर एक नुक्ता, वाव वाव में कोई नुक्ता नहीं है, ये हा दो चश्मी हा दो चश्मी हा, इसको हा बोलते हैं, दो चश्मी हा, ये हा दो चश्मी हा। लाम अलिफ हमजा छोटिया बढ़िया, बढ़िया के नीचे दो नुक्ते हैं। तो मैंने आप लोगों को आज यहाँ से लेके ये यहाँ तक पढ़ाया है और इन शब्दों की आप सबको हमने पहचान भी बताई है। तो मैं उम्मीद करूंगी आप लोगों से कि आप लोगों ने मेरे साथ साथ में पढ़ा होगा और इसे याद भी किया होगा। तो हमने ये जो इसका पहला पेज है वो आज हमने इसको पूरा कर दिया है। और आइए मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ और आप लोग मेरे साथ साथ में पढ़िएगा। अलिफ बा ता सा, जीम हा खा दाल, जाल रा जा सीन, शीन स्वाद ज्वाद त्वा, जा आयन गायन फा, काफ काफ लाम मीम, नून वाओ हा दो चश्मिया, लाम अलिफ हमजा छोटिया बढ़िया। तो ये हमारा आज का जो सबक है, हमने जो आज का सबक दिया है वो अलिफ से लेके यहाँ तक है और आप लोगों को याद करना है, आप लोग इसको याद कर लेना। कल हम आप लोगों को जो सबक देंगे वो अलिफ से लेके और या तक है, यानी कि हम जो कल आपको पढ़ाएंगे वो इसके ऊपर के जो जेर जबर है, मैं आप लोगों को कल इसकी पहचान बताऊंगी और जबर कैसा होता है, जेर क्या होता है, मैं आप लोगों को कल आप लोगों को जबर पढ़ाऊंगी और जबर की आपको पहचान कराऊंगी। मैं आपको कल यहाँ का सबक दूंगी, जो मैंने आज का सबक दिया है अलिफ से लेके या तक, आप लोग प्लीज उसे याद कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, और मेरी वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज, एंड कल मिलते हैं। गुड बाय।